गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात्परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Suppose Abhijit account 10,000 date first, date 7, Rohit account 20,000, total 30,000, total credit purchase. इसके बाद बनाता हूँ purchase return account. Purchase return book date particulars debit note number L and rupees date 3 Visit account 2000. Okay. Total credit purchase return 2000. Sales book.
date, particulars, credit note number, I left rupees, day 24, Sanjay account, 4,000, total credit, sales, return. So, आपके सामने मैंने इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ऑफ सब्सिडरी बुक्स मैंने ड्रॉ यहाँ पे कर दिया है. ओके, नाउ आई विल हेल्पिंग यू आउट कि कैसे मुझे पोस्टिंग करनी है. एज यू कैन सी इन द अबाउट बोर्ड, आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है परचेस बुक, देन उसके अंदर उसके नाम दिए हैं जिसने इसे परचेस किया है. उसके बाद है परचेस रिटर्न बुक, उसमें भी आपको नाम दिए हैं किसने किसने वापस किया है, किसके उसको मैंने वापस किया है. उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स बुक किसके उसको मैंने सेल्स किया है, देन सेल्स रिटर्न बुक. तो जितने आपको अलग अलग नाम दिखते हैं, नो दैट एक्सेप्ट, जितने आपको अलग अलग नाम दिखते हैं आपको सबके अकाउंट बनाने हैं, लग जाएंगे. सो द फर्स्ट अकाउंट विल बी माय परचेस अकाउंट. Now usually you already know the format. Format तो वही रहने वाला है. I'm not having that much space कि मैं आपको पूरा perfect format draw करके बता पाऊँ. Okay. So already know the format. Date, particulars, JF rupees. Date, particular, JF rupees. Debit and credit side. You already know the format. I'll just post it in lecture. Okay. तो आपको easy रहेगा कि मैं आपको सारे draw करके बता सकूँ actually. So purchase. As you know, debit side होता है. तो परचेस के डेबिट साइड, परचेस के डेबिट साइड कौन सा है, जेड मंथ. सो लास्ट डेट विल बी 31st वर्ड सपोज 5 ईयर का 5 क्या लिखेगा, टू सन्वी क्रेडिटर्स. परचेस करने से बनते हैं क्रेडिटर्स, कितना है भाई, 30,000. कितना है भाई, 30,000. आपको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करना है. मैं रफली यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको फॉर्मेट ऑलरेडी पता है. रफली ड्रॉ करूंगा तो ही जाके मेरे बोर्ड पे सारे अकाउंट आएंगे, तो आपको समझ आएगा. तो परचेस के डेबिट पे लिखा क्रेडिटर्स, जितने नाम अंदर है उसके भी अकाउंट बनाने पड़ेंगे. और बेची द अकाउंट, परचेस के डेबिट में टोटल, तो इनके क्रेडिट में बाय परचेस डेट कब है, 1 बाई परचेस अकाउंट. अभी जितने परचेस किया है 10,000 का, देन रोहित अकाउंट, रोहित के क्रेडिट साइड पे बाई परचेस अकाउंट, रोहित ने परचेस किया वर्थ रुपीज 20,000 का. परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न रेडी होता तो क्रेडिट साइड पे डेट 31/1/05 बाय सन्वी क्रेडिटर्स लिखेंगे, वही परचेस से बंदे क्रेडिटर्स. टोटल कितना रिटर्न मेरा आ गया, 2,000. नाम क्या, अभिजीत. ओके, रिटर्न के क्रेडिट में 2,000, तो अभिजीत के डेबिट में डेट है 3, डेट है 3/1/05. ओके, टू परचेस रिटर्न अकाउंट अमाउंट है 2,000. सॉरी, अभिजीत में लिखेंगे, अभिजीत में डेट 3/1/05 टू परचेस रिटर्न अकाउंट 2,000. देन क्या है, सेल्स. ओके, है मेरा सेल्स, सेल्स क्रेडिट होता तो टोटल जो सेल्स किया 65,000, डेट 31/1/05 बाय सन्वी डेटर्स 65,000. सेल्स क्रेडिट होता 65,000 क्रेडिट साइड पे, उसके अंदर जो नाम है राकेश, राकेश के डेबिट साइड डेट 11
11105 to sales account 40,000. उसके बाद हमें संजय संजय के भी डेबिट साइड पर 890105 टू सेल्स अकाउंट 25,000. उसके बाद क्या है सेल्स शेड्यूल
So I'm attaching the videos along with this. Okay, watch the video till the end. Do the sums, whatever it is given in the video itself. Okay, till that time, stay home, stay safe, and keep learning. Have a nice day. A close view of the subsidy books I am giving it to you. Purchase book है. You can see purchase book. उसकी मैंने posting की है. साथ में आप वो भी देख लीजिए. Total लिखा है purchase account में debit side पर. और उनके अंदर जो भी नाम थे उसे credit पे लिखा है मैंने by purchase with respect to date and amounts. Then come my sales purchase return book. Total लिखा है मैंने उस credit में 2000. और अभिजीत के debit side पे लिखा है मैंने I paid to purchase return 2000. देन कम माई सेल्स बुक टोटल लिखा है क्रेडिट साइड पे 65,000. उसके अंदर जो भी नाम थे उनके डेबिट पे लिखा है मैंने टू सेल्स डेबिट पे लिखा है मैंने टू सेल्स. देन कम माई सेल्स रिटर्न टोटल लिखा है मैंने सेल्स रिटर्न के डेबिट साइड पर टू सनविडेटर्स. उस पर नाम था यहाँ पे मेरे संजय का तो संजय के लिख दिया क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स रिटर्न. सो इस तरीके से मुझे लड़जे की पोस्टिंग यहाँ पे करनी है. ओके सो आई होप सो आप सम्स easily सब आप सॉल्व कर पाओगे ऑफ सब्सिडरी बुक्स. ओके थैंक यू. चैप्टर नंबर 9 लेडजर पोस्टिंग. क्वेश्चन नंबर 11. From the following transactions, prepare different subsidiary books with GST at 12% in the books of Amar Trading of Ahmedabad. Write journal entries also and make posting of them. GST is not included in it for the following transactions. Add applicable amount of GST and prepare subsidiary books, journal entries and posting of them. Okay, we got to prepare all the four books. So May 1st. Goods purchased of 90,000 at 10% trade discount from Jatin Traders of Jamnagar, Railway Freight 3000, invoice number 321. ठीक है अब हम लोग कहाँ से belong करते हैं. अहमदाबाद means गुजरात. So गुजरात के अंदर वाले हुए तो CGST, SGST और गुजरात के बाहर वाले हुए तो IGST जो आपको रूल ऑलरेडी पता है. तो परचेज क्या है तो परचेज बुक के अंदर डेट वन जतीन ट्रेडर्स अकाउंट इनवॉइस नंबर पे 321. गुड्स के कॉलम के अंदर 81,000. रेलवे फ्रेट के कॉलम के अंदर 3,000. वेजेस कॉलम में डैश. ओके देन सीजीएसटी लगेगा तो इन तीन को 84,000 81,000 प्लस 3,000 दैट इज 84,000 उस पर 12% निकालना है. जो भी अमाउंट है डिवाइड बाय टू करके 5040 आएगा CGST और SGST के अंदर. देन प्लस करेंगे टोटल अमाउंट विल बी 9400. आप एक बार देख लीजिए विल कम टू नो क्या कर रहा हूँ मैं. नंबर वन का है जतिन ट्रेडर्स. ओके 81,000 का गुड्स 3,000 का रेलवे फ्राइट 84,000 हुआ उस पर 12% निकाला. जो भी अमाउंट आया डिवाइड बाई टू किया 5040 टोटल से पकड़ दिया रो वाइस तो अमाउंट विल बी 94,080 rupees. समझ में आ गया कैसे लिखना है तो आपको दिखा दिया मैंने फॉर्मेट. यही फॉर्मेट एप्लीकेबल होता है सेल्स बुक में भी. सिर्फ आउटवर्ड इन्वॉइस नंबर आएगा. परचेज रिटर्न बुक के अंदर भी डेबिट नोट नंबर आएगा और सेल्स रिटर्न बुक के अंदर भी जहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर आएगा. बाकी ये सेम फॉर्मेट ही एप्लीकेबल होता है. गुजरात के अंदर है तो CGST, SGST और गुजरात के बाहर है तो भाई IGST. ओके चलो नंबर थर्ड. गुड्स परचेज ऑफ 3000 फ्रॉम विनोद ट्रेडर्स ऑफ पुणे महाराष्ट्र मतलब गुजरात के बाहर चला गया. रेलवे फेयर 3200 लेबर चार्जेस 600 इन्वॉइस नंबर 322. तो परचेज बुक के अंदर विनोद ट्रेडर्स अकाउंट इन्वॉइस नंबर 322. गुड्स कॉलम में 80,000. रेलवे फेयर में 3200 एंड वेजेस में 600 प्लस करके जो भी अमाउंट आता हो 83,800 आएगा उस पर 12% कर देंगे. अमाउंट विल बी 10,056 टोटल विल बी 93,856. देन डेट नंबर फाइव.
sold goods of rupees 72,000 at 10% weight discount to Rajiv Trading of Rajkot. Railway fare rupees 500, labor charges 300, invoice number 471. Sales kiya hai. Sale book ke andar Rajiv Trading account 471 bill number, goods mein 64,800, trade discount minus karne ke baad, railway fare mein 500 and wages mein 300. Plus kiya 64,800 plus 500 plus 300, जो भी आपकी अमाउंट आती है उस पर करना है 12% डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज सिटी का नाम दिया है राजकोट, गुजरात के अंदर है, डिवाइड बाई 2 करके CGST SGST में आपको लिख देना है, जो कि अमाउंट आएगा 3936 3936, पूरे रो को प्लस कर दोगे विल गेट 73,472. डेट नंबर 7, गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज 550,000 एंड 10% रेट डिस्काउंट टू उदय ट्रेडिंग ऑफ उदयपुर राजस्थान, मतलब गुजरात के बाहर चला गया, IGST आएगी, रेलवे फ्लाइट 600, वेजेस 300. तो सेल्स बुक के अंदर उदय ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट 472 बिल नंबर 45,000 गुड्स कॉलम में, 600 रेलवे फ्लाइट के कॉलम में, वेजेस कॉलम में 300, प्लस करोगे तो 45,900, उस पर करोगे 12% तो अमाउंट विल बी 5508, IGST कॉलम में लिख देना है, गुजरात के बाहर है, टोटल विल बी 51,408. देन 12, 50% गुड्स रिटन बाय राजीव ट्रेडिंग ऑफ राजकोट, 200 ऑफ रेलवे फ्रंट एंड 150 ऑफ लेबर चार्जेस फॉर एडजस्टेड ट्रेड नोट नंबर 16. राजीव को मैंने सेल्स किया था, उसने मुझे वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न बुक के अंदर सबका कर देना है 50%. तो गुड्स में आएगा 32,400, रेलवे फ्रंट में आएगा 200, वेजेस में आएगा 150, CGST में 1965, SGST में भी 1965, टोटल विल बी 36,680 रुपीज़. देन नेक्स्ट, डेट नंबर 18, गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 रिटर्न टू विनोद ट्रेडर्स ऑफ पुणे महाराष्ट्र, 11,000 एंड रेलवे फ्राइट एंड 200 फॉर लेबर चार्जेस एडजस्टेड, डेबिट नोट नंबर 31 लिखेंगे इसको, परचेज रिटर्न बुक के अंदर विनोद ट्रेडर्स अकाउंट, डेबिट नोट नंबर 31, गुड्स कॉलम में 20,000, 1,000 रुपीज़ रेलवे फ्राइट में, वेजेस में लिख देंगे 200, टोटल जो भी अमाउंट आता है उस पर कर लेंगे 12%, ओके, और वो लिख देंगे IGST के अंदर, देन टोटल वी भी 23,744 रुपीस. सो परचेस बुक देख लिया आपने, यू कैन सी सेल्स बुक, ओके, देन कैन सी परचेस रिटर्न बुक, एंड दिस इज माय सेल्स रिटर्न बुक. अब आपको अकाउंट्स जर्नल्स पास करनी है. सो पहला जर्नल में, ओके, जतिन ट्रेडर्स की पहले जर्नल है, ओके, कैसे पास करनी है, आप सबसे बुक्स बना चुके हैं, देख सकते हो आप, जतिन ट्रेडर्स की परचेस अकाउंट डेबिट 81,000, देन रेलवे फ्राइट अकाउंट डेबिट 3,000, देन इनपुट्स GST 5040, जो लिखा है ना, जो जो कॉलम में वो सब डेबिट टू जतिन ट्रेडर्स अकाउंट 94,080 रुपीज़, देन सेम विनोद ट्रेडर्स के साथ परचेस अकाउंट डेबिट 80,000, रेलवे फ्राइट अकाउंट 3,200, वेजेस अकाउंट 600, IGST अकाउंट 10,056 टू विनोद ट्रेडर्स 93,856, ओके. देन सेल्स की एंट्री पास करनी है, सो राजीव ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 73,472 टू सेल्स अकाउंट 64,800 टू रेलवे फ्राइट 500 टू वेजेस 300 टू CGST 3936 टू SGST 3936. देन उदय ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट 51,408 टू सेल्स अकाउंट 45,000 टू रेलवे फ्राइट 600 टू वेजेस 300 टू IGST 5,508. आप चेक कर लो, ओके. देन परचेस रिटर्न बुक की एंट्री या सेल्स रिटर्न की, डेट वाइज 12 आता है, तो सेल रिटर्न बुक की एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 32,400, रेलवे फ्राइट अकाउंट डेबिट 200, वेजेस 150, CGST 1965, SGST 1965 टू राजीव ट्रेडिंग कंपनी 36,680. एंड लास्ट था मेरा परचेस रिटर्न का, तो विनोद ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 23,744
purchase return account 20,000, to railway freight 1,000, to wages 200, to RGST 2544. Journal एक बार clear हो गया, then you got to post them, accounts बनाने हैं then. So purchase account के आपको debit पे लिख देना, तो sundry creditors 1,61,000. आप देख सकते हो purchase के अंदर goods का. गुड्स का है 1,61,000. देन सेल्स में बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,09,800 क्रेडिट साइड पर. देन परचेज रिटर्न में क्रेडिट साइड पर बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000. देन सेल्स रिटर्न में डेबिट साइड पर टू सन्ड्री डेटर्स 32,400. देन उसके बाद पार्टी के नाम पे आते हैं. जतिन ट्रेडर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय परचेस अकाउंट 81,000, बाय रेलवे फ्रेट 3,000, बाय सीजीएसटी 5040, एसजीएसटी 5040. फिर विनोद ट्रेडर्स के क्रेडिट साइड पे बाय परचेस अकाउंट 80,000, बाय रेलवे फ्रेट अकाउंट 3200, बाय वेजेस अकाउंट 600, बाय आईजीएसटी 10,056. उसके बाद राजीव ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर टू सेल्स अकाउंट 64,800, टू रेलवे फ्रेट 500, टू वेजेस 300, टू सीजीएसटी 3936, टू एसजीएसटी 3936. उधर ट्रेडिंग कंपनी के डेबिट साइड पर टू सेल्स अकाउंट 45,000, टू रेलवे फ्रेट 600, टू वेजेस 300, टू आईजीएसटी 5508. ओके उसके बाद परचेस रिटर्न इसका विनोद ट्रेडर्स, विनोद ट्रेडर्स के अब डेबिट साइड पे, ओके विनोद ट्रेडर्स के डेबिट साइड पे टू परचेस रिटर्न 20,000, टू रेलवे फ्रेट 1,000, टू वेजेस 200, टू आईजीएसटी 2544. देन राजीव ट्रेडिंग कंपनी के क्रेडिट साइड पर बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 32,400, बाय रेलवे फ्रेट 200, बाय वेजेस 150, बाय सीजीएसटी 1965, बाय एसजीएसटी 1965. ओके देन इतना हो गया उदय ट्रेडिंग वाले के डेबिट साइड पर टू सेल्स अकाउंट 45,000, टू रेलवे फ्रेट 600, टू वेजेस 300. ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है. देन अब आईजीएसटी की बारी. ओके अब आईजीएसटी की बारी है. तो परचेस में आईजीएसटी कितना है 5040, तो आईजीएसटी के डेबिट साइड में टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 5040, एसजीएसटी के डेबिट साइड पे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 5040. ये इनपुट है. ओके जो इनपुट है सेल्स में. उसके बाद इनपुट आईजीएसटी के डेबिट साइड में टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,056. उसके बाद कर लेंगे परचेस रिटर्न का सीधा, तो ईजी पड़ेगा. पर्सन क्रेडिट आईजीएसटी दिया हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे आईजीएसटी क्रेडिट पे देंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 2544. फिर आ जाएंगे आउटपुट जीएसटी के अंदर, मतलब सेल्स बुक के. उसे क्रेडिट पे लिखेंगे बाय सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 3936. फिर आउटपुट एसजीएसटी करेंगे, उस पर डेटर्स अकाउंट 3936. ओके उसके बाद सेल्स रिटर्न के, सेल रिटर्न में भी है. तो डेबिट साइड पे आउटपुट सी जी एस टी में टू सन्वी डेटर्स अकाउंट 1965, और आउटपुट एस जी एस टी के अंदर टू सन्वी डेटर्स 1965. ओके सो आउटपुट इनपुट आपको दोनों ड्रॉ करना है. ओके परचेस बुक सेल्स बुक आपको दोनों ड्रॉ करना है. रेलवे फ्रेट के भी कॉलम बनेंगे. ओके रेलवे फ्रेट पे एक्सपेंस है, तो रेलवे फ्रेट के डेबिट साइड पे परचेस का पहले लिख देते हैं. डेबिट साइड पे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 6200, और रिटर्न में था वन थाउजेंड, तो क्रेडिट पे लिख देंगे बस सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,000. फिर सेल्स का लिख देते हैं. सेल्स में डेबिट क्रेडिट साइड पे बस सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट वाले 1100, और सेल रिटर्न का डेबिट साइड पे टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट
200 रेलवे फ्लाइट ना से स्टूडेंट 200। उसके बाद वेजेस का भी ले देता है सेम तरीके से, परचेस में है वेजेस, क्रेडिट साइड पर डेबिट साइड पर टू सन्डरी क्रेडिटर्स 600 और रिटर्न के लिए क्रेडिट साइड पर बाय सन्डरी क्रेडिटर्स 200। सेम वेजेस सेल्स का भी देख लेते हैं, क्रेडिट साइड पर बाय सन्डरी डेटर्स अकाउंट 600 और डेबिट साइड पे टू सन्डरी डेटर्स अकाउंट 150। ओके सो थोड़ा सा आप ध्यान से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली तो यू कैन सी द पोस्टिंग्स वन बाय वन, आप देख लो, पॉज करते हुए चलोगे तो भी चल जाएगा। टू बी नो ट्रेडर्स अकाउंट, राजीव ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, उदय ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, SGST, आउटपुट CGST, वो इनपुट थे, ये आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, ये रेलवे फ्लाइट परचेस का, ये सेल्स का, वेजेस परचेस का और वेजेस सेल्स का। ठीक है, सो आई होप सो आपको क्लियर हो चुका है कैसे इसकी मुझे पोस्टिंग यहाँ पे करनी है। थोड़ा केयरफुल रखे, स्लोली ग्रेजुअली आराम से करना है। आई नो 1 आवर से ऊपर लग जाएगा, बट यस मैं सारे के सारे बुक्स नहीं पूछूंगा, बट हाँ एक बुक पूछूंगा। अगर एक बुक भी पूछता हूँ तो इन डायरेक्ट केस आपको CGST, SGST, IGST, रेलवे फ्लाइट, वेजेस, फिर परचेज, फिर उसके पार्टी के नाम सब आपको बनाने तो पड़ेंगे। तो आप ध्यान से कीजिए सब के सब, सो आपको ईजी होगा कोई भी पर्टिकुलर सम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डीलिंग विद कैश बुक एंड इट्स लेजर पोस्टिंग। ओके, तो आप कैश बुक का एक बार देख लीजिएगा कंसेप्ट वापस से, चैप्टर कैश बुक से एक बार कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा, 3 कॉलमना कैश बुक का बेसिकली। ओके सो एक दो बार उसके सम्स कर लीजिएगा, विल बी एबल टू सॉल्व कैसे क्या करना है सम को। ओके सो टिल द टाइम स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे। Oh, 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 oh